हेलो गाइस, माय नेम इज़ मनीष ठाकुर एंड वेलकम टू माय चैनल स्टॉक्स एंड गेन्स। सो गाइस, कल मैं आपके लिए वीडियो नहीं बना पाया था। आई होप आपकी जो आज आपका दिन जो है काफ़ी अच्छा गया होगा। तो चलिए देखते हैं कि कल मार्केट कहाँ मूव कर सकता है और हम कौन कौन से स्टॉक जो है हम ट्रेड कर सकते हैं। पर उससे पहले हम देख लेते हैं एक स्टॉक एस आर एफ हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, मैंने खो लिया है एस आर एफ स्टॉक। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने आपको यहाँ बताया था कि ये जो स्टॉक है, यहाँ पे मैंने आपको देखो जो ट्रेंड लाइन है वो भी मैंने ड्रॉ कर रखी थी। ये जो स्टॉक है इस पोजीशन पे, यहाँ पे इसने ट्रेंड लाइन जो है क्रॉस की और उसका जो ये वाला जो लेवल है ये ब्रेक किया और सीधा देखो आज क्या अच्छी रैली दी इसने। तो मैंने स्टॉक जो है पिछली वीडियो में बताया था आपको, और आज देखो कितनी अच्छी रैली दी। मैं जो भी स्टॉक बताता हूँ आप उस पर नज़र रखिए, अगर वो उस दिन जो है वो मूव नहीं करता है, वो अच्छा रिटर्न, अच्छी जो है रैली नहीं देता है, तो आप डेफिनेटली वो स्टॉक जो है एक या दो दिन बाद अच्छी रैली देगा। तो आप उन स्टॉक्स पे भी नज़र रखा कीजिए जो मैंने स्टॉक्स पिछली वीडियो में बताए हैं और वो एक अच्छा मूव नहीं देते हैं, एक रेंज बाउंड में रहते हैं, तो वो डेफिनेटली एक या दो दिन में एक अच्छी रैली देंगे। अब आप देखिए ये स्टॉक, इसने काफ़ी अच्छी रैली दी यहाँ से। यहाँ पे जैसे ही इसने अपनी ट्रेंड लाइन ब्रेक की और ये जो रेजिस्टेंस था इसका, ये भी इसने ब्रेक किया और आज एक अच्छी रैली 206 पॉइंट अप जाके ये जो है आज क्लोज हुआ। तो काफ़ी बढ़िया रैली थी आज। अगर आपने इस पे नज़र रखी होगी तो आई होप आपने अच्छा जो है प्रॉफिट किया होगा। तो चलिए देख लेते हैं कि कल मार्केट कहाँ मूव कर सकता है। पहले हम स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। तो हम स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। आज देखो ये जो निफ्टी था, आज निफ्टी गैप अप ओपन हुआ यहाँ पे और इसने जो है 10723 पे ओपन हुआ और 10811 पे इसने जो है अपना हाई बनाया। तो निफ्टी ने काफ़ी अच्छा मूव दिया आज, गैप अप ओपन होने के बाद भी ये काफ़ी ऊपर गया और अच्छा खासा इसने जो है काफ़ी अच्छी रैली दी, जिसको 15 मिनट चार्ट पे देख लेते हैं हम। ये देखिए यहाँ पे काफ़ी अच्छा जो था इसने यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे इतना सारा जो गैप अप मूव है, यहाँ से सीधा और उसके बाद थोड़ा सा डिप किया और थोड़ा बाउंस बैक करके ये जो है एक अच्छा खासा जो है इसने मूव दिया आज निफ्टी ने। तो अब बात सोचने वाली ये है कि कल को जो है निफ्टी कहाँ मूव कर सकता है, इस कंडीशन में क्या उसे हमें बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए, वो जो है हम देखेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि निफ्टी के लिए ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये एक रेजिस्टेंस का काम किया है। तो ये जो पॉइंट है आपका, ये है 10829, ये वाला जो पॉइंट है, और यहाँ पे इसने बाउंस बैक किया इस वाले पॉइंट पे। तो ये वाला पॉइंट है आपका 10750। तो अगर कल निफ्टी जो है इस पॉइंट के नीचे इस सपोर्ट को ब्रेक करता है, ये जो आपका पॉइंट है इसको कल ब्रेक करता है और यहाँ से नीचे आता है, तो डेफिनेटली हमें एक अच्छा फॉल दिखेगा। जो इसकी नेक्स्ट सपोर्ट बनेगी वो बनेगी 10700 पे, और जो ये आपका इसने 10700 भी इसने अगर तोड़ दिया तो इसका जो नेक्स्ट डेफिनेटली ये जो इसका गैप है, ये जो इसका गैप है ना, ये गैप ज़रूर फिल करने की कोशिश करेगा। तो ये यहाँ से गिर के यहाँ भी आ सकता है, अगर ये वाला टूटा यहाँ से तो यहाँ से गिर के इधर तक, यहाँ तक जो है ये आराम से जो है वो अच्छा खासा जो है गिर सकता है। और अगर ऊपर के लिए देखा जाए तो ऊपर के लिए इसको पहले 10829 का लेवल जो है वो ब्रेक करना पड़ेगा, तो ही हम इसमें एक अच्छी खासी जो है अपर साइड एक रैली देख सकते हैं। अगर इसने 10829 का लेवल अगर इसने तोड़ा तो नेक्स्ट जो हमारा टारगेट रहेगा 845,
और अगर ये भी अगर इसने अचीव कर लिया, ब्रीच कर लिया, तो उसके बाद 10,900। तो नेक्स्ट अगर 10,900, तो ये जो निफ्टी है कल के लिए, ये जो इसके रेजिस्टेंस और सपोर्ट हैं, इनको देखना पड़ेगा कि ये कौन कौन से सपोर्ट हैं। अब देखते हैं कि ये जो बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी कल कैसा परफॉर्म कर सकता है। अगर बैंक निफ्टी की बात करें हम, तो बैंक निफ्टी भी गैप अप ओपन हुआ, पर निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी काफ़ी वीक लग रहा है। अगर निफ्टी को ऊपर जाना है तो बैंक निफ्टी को जो है इसको बैंक निफ्टी को साथ देना पड़ेगा निफ्टी का, तभी जाके जो है निफ्टी एक अच्छा अप मूव देगा और एक अच्छी रैली दे सकता है। बैंक निफ्टी जो है डिक्लाइन कर रहा है इस आज इस रेंज में रहा, इस टोटल इस रेंज में आप यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। अगर कल को ये लेवल जो टूटता है बैंक निफ्टी का, अगर कल को निफ्टी का ये जो लेवल है ये टूटता है 22,130, ये जो अगर लेवल टूटता है बैंक निफ्टी का, तो डेफिनेटली हमें एक अच्छा जो है डाउनफॉल देखने को मिलेगा यहाँ। जो जो अगला जो आपका टारगेट है वो 22,50 तक हमें देखने को मिल सकता है, या 21,900 तक भी हमें देखने को मिल सकता है अगर इसने जो है एक अच्छा खासा फॉल दिया तो। और अगर ऊपर की तरफ देखें तो ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी हमें ये जो टारगेट है इसका, ये जो रेजिस्टेंस है इसका, ये इसको जो है पहले ब्रीच करना पड़ेगा। पहले ऊपर की तरफ इसको 22,270 अगर ये लेवल जो है ब्रेक करता है, तो नेक्स्ट इसका जो टारगेट बन सकता है वो 22,330, ये इसका नेक्स्ट जो है टारगेट बन सकता है। और उसके बाद 22,005, और उसका जो नेक्स्ट बनेगा वो 22,500। तो ये जो था बैंक निफ्टी, ये जो है बैंक निफ्टी के लिए कल के जो है लेवल्स जो है रहेंगे अगर बैंक निफ्टी इनमें मूव करता है। पर बैंक निफ्टी अगर इसी रेंज में रहा तो इसी रेंज में चलता रहेगा, और ऑप्शन सेलर्स के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है इसमें पैसा कमाने की। तो चलिए देख लेते हैं कि हम कल कौन कौन से स्टॉक जो है हम ट्रेड कर सकते हैं। तो पहला हमारा जो स्टॉक है, तो जो पहला हमारा स्टॉक है वो है टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा ने आज एक काफ़ी अच्छा मूव दिया, यहाँ पे ओपन हुआ और उसके बाद एक अच्छी अप मूव दिया, फिर उसके बाद डिक्लाइन किया इसने और यहाँ पे जाके हुए नेगेटिव में जाके जो है क्लोज़ हुआ। अब हमें देखना ये है कि कल हम इसमें कहाँ पे एंट्री ले सकते हैं और कहाँ पे बाइंग कर सकते हैं या कहाँ पे सेलिंग कर सकते हैं। तो अगर कल को अगर टेक महिंद्रा ये जो इसका लेवल है यहाँ पे, ये रेजिस्टेंस जो है 587 जो है ब्रीच करता है, तो हमें तो ही हम इसमें बाइंग करेंगे, जिसमें हमें टारगेट हमें इसमें 590 तक का टारगेट मिल सकता है। और अगर ये भी ब्रीच होता तो 593 और 597 तक जो है हमें टारगेट मिल सकता है अगर इसने ये 587 का लेवल जो है ब्रीच किया। अगर शॉर्ट पोजीशन के लिए देखें तो शॉर्ट पोजीशन के लिए अगर इसने ये जो वाला जो लेवल है 580 का, जो अगर जो लेवल है ये वाला जो लेवल है 580 का जो लेवल है, अगर ये ब्रेक किया तो हमें डेफिनेटली 575 तक का टारगेट मिल सकता है। ये वाला जो सपोर्ट है इसने ब्रेक किया तो 575, और अगर 575 भी ब्रेक होता है तो 570 और 565 और 560 तक का जो है हमें इसमें टारगेट मिल सकता है। पर इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि ये जो है एक ये वाला जो रेजिस्टेंस है और ये वाला जो अगर टूटा तो यहाँ तक का हमें टारगेट आराम से मिल सकता है। तो चलिए देखते हैं, जिस साइड भी इसका जो है लेवल टूटेगा उसी साइड हम ट्रेड करेंगे। अगर बाइंग साइड इसका 585 के 585 के ऊपर गया तभी हम इसमें बाइंग करेंगे, और अगर 580 के नीचे आया तो हम इसमें सेलिंग करेंगे। तो नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं हम। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा डिवी स्लैब। डीवी स्लैब देखो आप, मैंने यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक सपोर्ट लाइन, जो एक रेजिस्टेंस लाइन जो है ड्रॉ कर रखी थी, जिसके ऊपर ये इसने सस्टेन नहीं किया अब, और ये जो आपकी सपोर्ट लाइन है इसके नीचे इसने जो है क्लोजिंग दी है। तो कल का जो हमारा इसमें जो है प्रडिक्शन रहेगी कि कल अगर ये नीचे की तरफ ओपन होता है तो हम इसमें सेलिंग करेंगे। सेलिंग के लिए अगर देखा जाए, पहले मैं ये सपोर्ट हटा लेता हूँ,
अगर सेलिंग के लिए अगर देखा जाए तो कल को अगर ये जो है 21 2155, अगर ये कल को ये वाला जो लेवल है ये यहाँ पे 21 55 का लेवल, अगर इसके नीचे अगर इस स्टॉक जाता है तो ही हम इसमें सेलिंग करेंगे, जिसमें हमें टारगेट मिल सकता है 21 45 और उसके बाद 21 30 और उसके बाद 20 90। ये हमें सेलिंग के लिए टारगेट मिल सकता है, क्योंकि नेक्स्ट जो सपोर्ट बन रहा है वो नेक्स्ट सपोर्ट बन रहा है यहाँ, और नेक्स्ट जो सपोर्ट बने तो अगर यहाँ सपोर्ट बना तो ये जो हमारा टारगेट है 20 90, अगर इसमें एक ज़बरदस्त सेलिंग आती है कल तो डेफिनेटली ये हमारा जो है टारगेट अचीव हो जाएगा। अगर हमने इसको बाइंग इसमें अगर बाइंग करनी है तो इसके लिए पहले इसको 21 75 21 75 यहाँ पे ये जो है 21 75 का जो है लेवल पहले रेजिस्टेंस जो है इसको तोड़ना पड़ेगा, फिर तभी हम इसमें बाइंग की सोच सकते हैं। जो हमारा टारगेट है 21 82 और 22 00, अगर ये जो टारगेट है अगर यहाँ से नीचे गया तो हम इसमें सेलिंग करेंगे, और अगर इस यहाँ से ऊपर गया 21 75 से अगर ऊपर गया तो हम इसमें बाइंग करेंगे, और अगर 21 80 के नीचे गया तो हम इसमें सेलिंग करेंगे। और स्टॉप लॉस जो है आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, आपको पता होना चाहिए कि आप कितना जो है अमाउंट जो है आप अगर मार्केट आपके अकॉर्डिंग नहीं रहती है तो आप कितना लॉस जो है ले सकते हैं, कितना लॉस आप झेल सकते हैं। स्टॉप लॉस कभी भी दूसरे पे नहीं होता, स्टॉप लॉस अपनी कैपेबिलिटी पर होता है कि आप कितना जो है स्टॉप लॉस कितने पैसे जो हैं आप अपने लॉस कर सकते हैं, और कितना आपकी जो स्ट्रैटेजी है उसके अकॉर्डिंग आपकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए, तभी जाके आप जो है स्टॉप लॉस जो है लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टॉक ले सकते हैं, हमारा लास्ट स्टॉक जो है कल के लिए वो है, तो जो हमारा लास्ट स्टॉक है कल के लिए वो है डाबर। तो डाबर में अगर मेरा व्यू देखा जाए तो कल डाबर के लिए तो मैं तो सेलिंग करूँगा ओनली, बाइंग के लिए मैं डाबर में देखूँगा ही नहीं इसमें मैं, और सिर्फ 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 और सिर्फ सेलिंग करूँगा। अगर डाबर जो है 464 ये जो आपका सपोर्ट है 464 यहाँ से अगर नीचे की तरफ गया तो डेफिनेटली इसके लिए जो मेरा टारगेट रहेगा पहला वो रहेगा 460 का, और उसके बाद 458 का। अब देखिए क्यों ऐसा रहेगा, क्योंकि इसकी जो सपोर्ट है यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ से नीचे गया इस यहाँ से नीचे गया तो इसकी जो नेक्स्ट सपोर्ट बनती है वो बनती है यहाँ पे इस वाले पोजीशन पे, और उसकी उसके बाद बनती है इसकी इस वाले पोजीशन पे, और उस फिर उसके बाद यहाँ पे। तो मतलब अगर 464 464 के अगर ये नीचे गया तो हम इसमें सेलिंग करेंगे, 460 हमारा टारगेट रहेगा और 458 हमारा सेकंड टारगेट रहेगा, और इसमें सेलिंग ही करेंगे, इसमें बाइंग नहीं करेंगे, इसमें सिर्फ और सिर्फ सेलिंग करेंगे। अगर सेलिंग के लिए हमें ये मिलता है स्टॉक तो हम इसमें सेलिंग करेंगे, अगर ऊपर जाता है स्टॉक तो हम इस स्टॉक को छुएंगे भी नहीं, हाथ भी नहीं लगाएंगे, बस और सिर्फ हमने इस स्टॉक में जो है सेलिंग करनी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और आपके लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ लाइक द वीडियो। अगर आप लाइक करोगे वीडियो अगर आप लाइक करोगे वीडियो तो ही हम जो है नेक्स्ट वीडियो के लिए जो है हम हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि हम नेक्स्ट वीडियो के लिए हम और अच्छी जो है नेक्स्ट वीडियो हम और अच्छी बनाएंगे, और अच्छे उसमें हम अपने एफर्ट्स देंगे, और अच्छे जो है स्टॉक जो है ढूंढ ढूंढ के लाऊंगा। अगर आप जो है मेरी इस वीडियो को और मेरे चैनल को सपोर्ट करते हैं, तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो डेफिनेटली लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द वीडियो, और आप जो है मेरा टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। अगर वहाँ पे मैं अपने जो है व्यूज़ जो है शेयर करता रहता हूँ, और लाइव मार्केट में मैं वहाँ पे अपने व्यू जो है आपके साथ शेयर करता रहता हूँ, और आपको जो है आपके साथ साथ जो है वहाँ पे ट्रेड करता रहता हूँ। तो अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू।